जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये है ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हांडा। इनको किसी मामले में पुलिस ने थाने में बुलाया और वहां बुलाकर इनको अरेस्ट कर लिया। आगे इनका मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, क्या मामला था क्या नहीं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले बता देता हूं कि ये एक सेना के इतने बड़े अधिकारी और शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं, 10 पैरा एस एफ की कमांड हमारी सबसे खतरनाक रेजिमेंटों में मानी जाती है, 10 पैरा एस एफ उसके कमांड अधिकारी रह चुके हैं, राजपूताना राज राइफल में कमांड कर चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट की, वहां भी चढ़कर इन्होंने नाम रोशन किया है। इतने चर्चित चेहरे और इतने बड़े पद के अधिकारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करके पुलिस क्या दिखाना चाहती है? यहां पुलिस का रवैया है कि हम किसी को भी जब चाहें जैसे चाहे गिरफ्तार कर लें। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। इनका मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं सबसे पहले। और जय श्री रघुनाथ जी महाराज की। मैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह, आज पुलिस ने मुझे हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई। तो किस तरह के की राजनीतिक साजिश, बिल्कुल ना बर्दाश्त है। मैं एक सोल्जर रहा हूं, मैं एक वॉरियर रहा हूं, मैं एक फौजी हूं। मुझे इस प्रकार से क्या ये राजस्थान पुलिस और बूंदी पुलिस ये सोचती है कि मुझे डरा नहीं इस प्रकार से? इस सरकार के द्वारा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सभी की, कानूनी तौर से और सामाजिक तौर से। यारा चैलेंज है, अगली बार पुलिस मेरे ऊपर में इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश करे। और मैं यहाँ आपने ये ब्रिगेडियर साहब के छोटे छोटे वीडियो आपने देख लिए होंगे। मामला पूरा क्या था वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब का लगभग 5-6 मिनट का वीडियो है, उसमें इन्होंने सारी चीज बताई है क्या मामला था और क्या नहीं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहां मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि पुलिस के पास क्या ऐसे अधिकार हैं कि कभी भी किसी को कहीं भी गिरफ्तार करे और अंदर डाल दे, या पुलिस कानून तोड़ती है और पुलिस को कोई कहने वाला नहीं है। संविधान, कोर्ट कचेरी सब, मतलब पुलिस ही सब अपने आप को समझ रही है। पुलिस किससे डरती है, या हमारे सेना अधिकारी इनको कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्या संविधान में कोई सेना के पास पावर है या नहीं है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि पुलिस अगर किसी से डरती है तो वह हमारे नेता, जो थर्ड क्लास का नेता किसी भी पार्टी का, चाहे वो पद पर हो और चाहे उनकी सरकार ना हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, तब भी पुलिस उन लोगों से डरती है। वो इनको ठोक कर रखते हैं, गाली गलौज भी बकेंगे, जूते की नोक पर रखते हैं पुलिस को, जेब में रखकर चलते हो। वो कितना भी गलत काम कर ले, कुछ भी कर ले, तब भी वहां जाकर हाथ बांध कर नेताजी आपको ऐसे करते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि ये किसी भी थाली के चट्टे बट्टे नेता किसी भी पार्टी के हों, इन्होंने संविधान अपने आप से लिख रखा है कि किस नेता को कब गिरफ्तार करना है या नहीं करना है, अगर गिरफ्तार भी करते हो तो कहां से उसका कानून में अधिकार लेना है और उसको वीआईपी जेल में रखना है, कैसे सम्मान के साथ उसको ले जाना है। ये सब कानून इन अनपढ़ लोगों ने अपने लिए बनाए हुए हैं और राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकता है। वो चुनाव के टाइम पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन बाद में आराम से बैठ के एक जगह गपशप मारेंगे, एक जगह ही बहन, जो किसी भी पार्टी का नेता सब देख लो, एक साइकिल पे चलता चलता साला फॉर्च्यूनर पर आ जाता है, दुनिया भर की काली कमाई करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने लिए संविधान में सब चीजें रखी हुई हैं। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों ने, इन्होंने भी संविधान को अपने हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से कभी भी तोड़ मोड़ देते हैं, क्योंकि उन घटिया नेताओं की पैर भी ये करते हैं, वो भी पैसा खाते हैं और ये भी पैसा खाते हैं दबाकर, और ये अपना दोनों मिलजुल कर खूब खा रहे हैं।
इसलिए आम पब्लिक को या इतने बड़े अधिकारी हो किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं। चलो ये बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन दूसरी बात है कि हमारी सेना के पास पावर है या नहीं है। आपको मैं आगे एक किस्सा बताऊंगा कि सेना के पास वो पावर है जहां इन खादी के नेता और ये खाकी वालों की पावर जीरो हो जाती है। ये खादी और खाकी के बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि पुलिस के पास बहुत पावर है, पुलिस किसी में फंसा देगी, फलाना ढिगड़ा करेगी। तो पुलिस के पास जितनी पावर है वो किसी भी केस में जो फंसा सकती है उसके लिए कोर्ट कानून से बंदा बचकर बाहर आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सेना के पास वो पावर है जो इस खादी के नेता और इस पुलिस के कितने भी बड़े अधिकारी को, अगर सेना अपने पद का दुरुपयोग करना शुरू कर देगी और सेना के दिमाग में जजगी इसको सबक सिखाना है, तो उसके पास संविधान के अंदर भी, आर्मी एक्ट के अंदर भी, और वैसे भी इतनी बड़ी पावर है कि इनको कुत्तों की तरह मतलब धूल चटा देगी मिनटों में। एक स्टेटमेंट जारी करके किसी को भी उठा लेगी और कोई कोर्ट कानून सारा, जहां सबका बोलते हैं ना, जहां से इनकी पावर शुरू होती है वहां से सेना अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी, उनको छुटाने वाला कोई नहीं है। यानी जहां इन लोगों की पावर खत्म हो जाती है वहां से सेना को पावर दी हुई है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सेना के अधिकारी अपना ढिलमिल रवैया अपना रहे हैं, हम तो कानून के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। भाई जब वो कानून धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं तो कम से कम तुम भी एक दो पर तोड़ दो। हालांकि आपको मैं बताऊंगा एक किस्सा, जहां एक बार एक सेना अधिकारी ने कानून तोड़कर डंडा ऐसा दिखाया था कि इनके बड़े से बड़े मतलब गृह मंत्री तक के छक्के छूट गए थे, दिल्ली पुलिस की हालत लाचार हो गई थी। लेकिन वो हिम्मत करने के लिए आपको आपका रैंक छोड़ना पड़ेगा, आपको एमपी एमएलए बनने के ख्वाब छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप ये चीजें छोड़ते हो तो आप अपनी, अपने जवानों की या किसी भी रिस्पेक्ट के लिए लड़ सकते हैं। खाकी और ये खादी जो गलत कर रहे हैं ना, इनको सेकंडों में घुमाया जा सकता है। फिर कह रहा हूं कि चैनल गलत के साथ नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ गलत होता है तो हमारे तक ये चीजें जरूर भेजें, चैनल से जुड़ो। आज हम 8 लाख के करीब हैं, अगर आप 10-10 जोड़ोगे तो हम 80 लाख, और 100-100 जोड़ोगे तो हम 8 करोड़ हम खुद अपनी ताकत बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे चीज में कोई भी मीडिया, कोई भी घटिया मीडिया आपको इन चीजों को नहीं दिखाएगी, उसको यही लगेगा कि भाई ये तो सरकार के खिलाफ है और सब सरकार के डंडे से चलते हैं। इसलिए हम अपना खुद का चैनल बना रहे हैं, चैनल से जुड़े। और ऐसे किसी भी कामों के लिए आपको लगता है रविंद्र फौजी सही कर रहा है और उसकी हमें टीम से जुड़ना चाहिए, ऐसे मसलों में हमें एकजुट होना चाहिए, तो ये मेरा नंबर है 8290-35-45-13 8290-35-45-13 ये मेरा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर भी है। आप इसके द्वारा अपना नाम गांव लिख सकते हो कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, और इसके अलावा चाहते हो कि जुड़ा भी हूं और मैं वास्तव में आपकी टीम का हिस्सा बनकर इस चैनल की आपकी मदद करूंगा और भविष्य में इस टीम का, घातक टीम का हिस्सा भी बनूंगा, तो उसके लिए यही मेरा नंबर 8290-35-45-13 ये मेरा फोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड है। आप महीने दो महीने में जब भी आपको लगे कि भाई हाँ हमें मदद करना चाहिए 100-500-1000 रुपए की, तो मदद करें और एक टीम का हिस्सा बने। अगर कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करके चैनल से नॉर्मल जुड़े रहो और सोए रहो, कभी आपकी बारी आए तो फोन कर देना कि हमारे साथ ये हुआ है। तो नॉर्मल जुड़े वाले लोगों का नॉर्मल हम भी वीडियो चलाकर जय हिंद बोल देंगे। अगर कोई टीम का हिस्सा है और उसके साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो उसके लिए हम भी, जिस तरह वो हमारे से जुड़ा है, जिस तरह वो महीने में मंथली हमारी मदद कर रहा है, तो हम उसके लिए हम भी कहीं भी किसी भी देश के कोने में पहुंचकर हम या हमारी टीम उसका मदद करेगी। बहुत से लोग फोन पे और पेटीएम नहीं चलाते थे, मेरा नंबर है 612-642-33-600 IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट, आप इसके माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हो। फिर कह रहा हूं आप टीम से जुड़े हुए हो, लेकिन बहुत से लोग जैसे कुछ ऐसे हैं कि एक ही महीने में सर मैंने आपको 100 रुपये भेजा है, मैं आपसे जुड़ा हूं, मेरी कोई समस्या नहीं। फिर 2 दिन बाद ही सर मेरी जमीन की समस्या है, मेरे भाई का झगड़ा है, या सर मैं मेरी तो वाइफ का झगड़ा है। तो ऐसे लोग कृपया करके ना जुड़े। जो आप खुद के छोटे छोटे झगड़ों के लिए अगर आप 100 रुपये भेजकर फिर कह रहे हो, जुड़ो। अगर आपको कहीं पुलिस परेशान कर रही है, डिपार्टमेंट में रह के कोई परेशान कर रहा है, कोई गुंडा बदमाश आपके साथ दबंगई दिखा रही है, उस चीज में हम आ सकते हैं। घरेलू झगड़े में मैं कई बार कह चुका, बहुत से लोग सर मेरी मदद करो, तो उसमें आप अपना वीडियो भेज दो, वो वीडियो आपका ऐसे के ऐसे इस चैनल पर डाल दूंगा बिना काट साट के, हमें किसी का कोई डर नहीं है।
हाँ कोई, फिर कह रहा हूँ कि कहीं पुलिस दबंग कोई भी जहां नाजायज आपको परेशान कर रहा है उसके लिए तन मन धन से ग्राउंड में आपके साथ आकर लड़ेंगे। छोटी समस्याओं को अपने तक रखो। बहुत से लोग, सर मेरी फैमिली झगड़ा करके चलेगी, सर मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया, तो कोऑपरेट करो उसमें अपने लेवल पर, अपने गांव में, वहाँ छोटे मोटे जो आसपास में आपके सब संगठन बने हुए हैं उन संगठन से भी जुड़कर रहो। वैसे क्यों फौजी आदमी आते हैं, मुझे क्या लेना, मैं तो अपने आप में समर्थ हूँ, मैं तो सूबेदार हूँ, मैं ऑनरी कैप्टन हूँ, मैं तो पहले सिपाही था, आज मैं जो कलेक्टर बन गया तो मैं क्यों जुड़ूँ, या मैं कर्नल साहब हूँ, मैं ब्रिगेडियर साहब हूँ। समस्या कभी भी कहीं भी किसी को भी आ सकती है और समस्याओं से निपटारा आज के दिन में संगठित रहकर, अगर आपकी कोई टीम है, आपका भी कोई चैनल है जो आपकी आवाज़ उठाएगा तो जनता भी आपका साथ देगी और वो लोग भी आप पर दोबारा हाथ डालने के लिए डरेंगे। नहीं तो आप कितने भी पद पर बैठे हो, कहीं भी अन्य खाबने बैठे हो, किसी भी दिन पैसा और सब कुछ कमा लेगा, लेकिन किसी भी दिन उठाकर ले जाएंगे, फिर चिल्लाते रह जाओगे अब क्या करें। हालांकि बने हुए हैं कोर्ट कानून, जाकर जाओगे छूट भी जाओगे, लेकिन वो छूटेंगे तब जब आपका रुतबा बना हुआ, जब मिट्टी मिल जाएगा। ठीक है, सही लगे तो वीडियो को शेयर करें, आगे इनका वीडियो देखें। इनकी जो क्या कहना चाहिए, क्या क्या पूरा मामला। जय श्री रघुनाथ जी महाराज की। मैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह, आज पुलिस ने मुझे कुछ पुराने आप मुकदमे में जांच के लिए बुलाया था। अरे यहाँ पर पहुँचने पर मुझे इतला दी गई कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है और अरेस्ट करने की कार्रवाई की गई, डॉक्यूमेंटेशन किया गया। ये जो कार्रवाई है ये परिणाम है हमारे कल के आंदोलन शुरू करने से, जिस आंदोलन में हम अपने बाबूसा सूर्य मंदी आडा की छतरी को गिराए जाने के अगेंस्ट में प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। उसी दौरान हमें ये इंडिकेशन मिला कि आप इस प्रकार से आंदोलन ना करें, नहीं तो आपके ऊपर में कार्रवाइयाँ होगी। हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई, तो इस तरह की राजनीतिक साजिश बिल्कुल ना बर्दाश्त है। मैं एक सोल्जर रहा हूँ, मैं एक वॉरियर रहा हूँ, मैं एक फौजी हूँ। मुझे इस प्रकार से क्या ये राजस्थान पुलिस और बूंदी पुलिस ये सोचती है कि मुझे डरा नहीं इस प्रकार से? ये परिवार है मेरा, मेरे साथ है, ये बूंदी वासी मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये बूंदी की विरासत के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर बाबा साहब की छतरी आज गिरी है, केवल इसलिए गिरी है कि ये जो विरासत है ये भंवर जितेंद्र सिंह ने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ली हुई है और हम अपनी विरासत को नहीं बचा पा रहे हैं। और ये जो इनके पास प्रेशर है आज, ये भंवर जितेंद्र सिंह की वजह से प्रेशर है। आप लोग हिम्मत दिखाइए, उनका नाम लेके ये क्लिप चलाइए। आप, मेरी आपसे दरखास्त है, आप मीडिया है, इस डेमोक्रेसी के, इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है, अपना अपना आप अच्छे से मैं कार्य करने के लिए आपको दरख्वास्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना कार्य निर्भीकता से करें। इस प्रकार ये सोचते हैं कि मुझे बूंदी हाडा राजवंश के गादीपति को डरा लिया जाएगा, मेरा दमन कर दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सभी की, कानूनी तौर से और सामाजिक तौर से। यारा चैलेंज है, अगली बार पुलिस मेरे ऊपर में इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश करे। और मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूँ पुलिस से। ये वकील साहब मेरे साथ में है, श्री गीतेश जी पंचोली, हम हमेशा से पुलिस के साथ हर एक मामले में कोऑपरेट करते हैं। गलत FIR करेंगे, फिर गलत तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे, प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई आंदोलन उग्र होने की कोशिश होती है तो उठा लिया जाता है। ना काबिले बर्दाश्त है ये, नहीं बर्दाश्त। ये भंवर साहब जिनको इंडिकेट कर रहे हैं वो है भंवर जितेंद्र सिंह, वो इस विरासत को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अगर आज मेरे बाबू साहब की छतरी गिरी है तो वो केवल इस वजह से गिरी है कि हाड़ा राजवंश की संपत्तियां जो हमारे को कोवेनेंट के द्वारा दी गई थी, इन संपत्तियों से होने वाली आवत से हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी हड़ौती लैंग्वेज को बचा के रखना था। मैं वो काम एज ए गादीपति नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह रसूख वाले आदमी है, बड़ी लीगल टीम है उनके पास में। वो इस प्रकार से मेरे ऊपर में अदालतों के अंदर में मामले अटका कर कार्रवाइयां करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। मेरे जितनी मेहनत नहीं, मेरे पीछे आप ये जो मलबा देख रहे हैं ये हमारी भावनाओं का और मान मर्यादा का मलबा है। ये छतरी 16वीं शताब्दी से राव सूरजमल आदा की यादगार में स्थापित थी। इसे
20 सितंबर को केडीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गैर जिम्मेदाराना लोगों ने बर्बरतापूर्वक किसी को भी सूचित किए बगैर इस प्रकार से ढाया है, यह नहीं होना चाहिए था। इट इज ब्लास्फेमस, सैक्रिलेज है, इष्टनिंदा है। सभी में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। हमें पहले बताया गया था कि ये जो छतरी है यह बनने वाले एयर स्ट्रिप की अलाइनमेंट में आ रही है और इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की बात की गई थी, लेकिन अब हमें ज्ञात हुआ है कि ना तो ये बनने वाली एयर स्ट्रिप के अलाइनमेंट में है, न ही किसी भी प्रकार से लैंडिंग टेक ऑफ के लिए कोई ऑब्स्टिकल बनने वाली थी, ना ही प्रस्तावित टैक्सीवेज के लिए कोई ऑब्स्टिकल थी। तो इसे इस प्रकार बर्बरतापूर्वक निर्दयता से नहीं हटाया जाना चाहिए था। अब हम आक्रोशित हैं, पूरे हाड़ौती क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में इसे लेकर चिंता है कि हमारी सरकारें और जिम्मेदार लोग अपनी पूरा महत्व की वस्तुओं पर क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं और संवेदनशीलता से क्यों नहीं काम कर पाते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस छतरी को इसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए, बनने वाले कोटा बूंदी एयरपोर्ट को राव सूरजमल जी हाडा के नाम से नामकरण हो, इस एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर राव सूरजमल जी हाडा की अश्वरूढ़ प्रतिमा स्थापित हो, जो इस छतरी के डोली की जमीन है जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वह डोली की जमीन कब्जा मुक्त हो और दोषी अधिकारी जो है, उन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। आपका बहुत धन्यवाद। जय जय हाड़ौती, जय हिंद।